वेलकम बैक। हम लोग प्राइमेट पढ़ रहे थे, उसी प्राइमेट में हम लोग आगे बढ़े हैं। चूंकि मानव के बारे में अध्ययन करने के लिए हम स्तनधारी प्राइमेट और प्राइमेट का जो वर्गीकरण है उसको जान लें, तब मानव का पशु जगत में स्थान भी समझेंगे, मानव का उद्विकास भी अच्छी तरह से समझेंगे। तो प्राइमेट जो है स्तनधारी का एक ऑर्डर है, प्राइमेट गण है। तो पिछले वीडियो में प्राइमेट का लक्षण के चर्चा हुआ था, अब प्राइमेट को हम आगे बढ़ाते हैं कि प्राइमेट को दो भाग में बांटा गया है। प्रोसीमी और एंथ्रोपॉइड्स। एंथ्रोपॉइड्स में दो कैटेगरी है, प्लेटरहाइन न्यू वर्ल्ड मंकी और कैटरहाइन पुराने जगत के बानर। इसको भी दो भाग में सेरपाइथेको आइडिया और होमिनो आइडिया। होमिनो आइडिया का तीन भाग हाइलोबेटिडी, पोंगिडी और होमिनिड। हम लोग आज प्रोसीमी पर चर्चा करेंगे। तो प्रोसीमी ऑर्डर प्राइमेट, गण प्राइमेट का उपगण सब ऑर्डर है। यह स्तनधारी वर्ग के गण प्राइमेट का उपगण सब ऑर्डर उपगण है। इसमें सम्मिलित जंतु पुरानी दुनिया के उष्णकटिबंधीय जंगलों में पाए जाते हैं। पुरानी दुनिया में अफ्रीका, मेडागास्कर, दक्षिण पूर्व एशिया जाता है। जैसे अफ्रीका, मेडागास्कर, दक्षिणी पूर्वी एशिया आदि क्षेत्र आते हैं। पुरानी दुनिया में निवास करने वाले ये वृक्षवासी होते हैं, तथा रात्रि में सक्रिय एक्टिव होते हैं। वृक्षवासी को अर्बोरियर कहा जाता है, और रात्रि में जो सक्रिय होगा उसको
नॉक्चुरनल कहा जाता है, दिन में जो सक्रिय होगा डाउरनल कहा जाता है। ये जीव रात में ज्यादा एक्टिविटी को शो करता है। इनमें लोमड़ी जैसे थूथन पाए जाते हैं। फेस का जो आगे वाला भाग है इनका आकार गिलहरी से लेकर कुत्तों तक होता है। इनका चेहरा बाहर की ओर निकला हुआ होता है। इसके नासिका क्षेत्र मतलब नाक के पास जो भाग है नग्न एवं गीली होती है, मॉइस्चर्ड होता है। चेहरे पर संवेदी सेंसरी संवेदी बाल पाया जाता है। नेत्र क्वार्टर आई ऑर्बिट अस्थियों के छल्ले का बना होता है। इनमें देखने की क्षमता विकसित एवं सूंघने की क्षमता में कमी होती है। जो वृक्षवासी होते हैं उसमें सूंघने की क्षमता में कमी आ जाती है। इनका दंत सूत्र डेंटल फॉर्मूला 2 × 3 = 2 × 3 = 2 = 6 = 10 यानी 40। दांत का संख्या के रूप में 40 हो जाएगा इसका। इनके पैर लंबे एवं
परिग्रहण के लिए अनुकूल होते हैं। इनके अंगुलियों में कम गतिशीलता होती है। पूंछ लंबी एवं उनमें पकड़ की क्षमता होती है। लिंगीय द्विरूपता सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, मतलब हम देख के बता दें कि मेल या फीमेल है, अस्पष्ट होती है। ये प्रोसीमी का जो मेन करेक्टर है उसके बारे में हम लोग चर्चा किए। इसका उदाहरण के रूप में देखा जाए तो ट्री स्रीव टार्सियर लेमर आदि इस उपगण में आते हैं। तो इस तरह से हम लोग प्राइमेट का वर्गीकरण देख रहे हैं। प्राइमेट के बाद एंथ्रोपोइडिया के बारे में जानकारी लेते हैं। एंथ्रोपोइड्स ही बोलते हैं इसको। इस उपगण में मानव के समान चतुष्पादीय फोर फुटेड जंतु आते हैं। इनके थूथन छोटे होते हैं, जबकि प्रोसीमे में निकला हुआ था। इनके अंगुलियों पर नख पाए जाते हैं, नेल प्रेजेंट है, फ्लैट नेल। इनमें दृष्टि अधिक विकसित होती है। तथा सूंघने की शक्ति में कमी आती है। अब यहां से दृष्टि विकसित होते होते मनुष्य में डेवलप हो जाएगा हाईली। ये इवोल्यूशन का जो है कारण ऐसा हो रहा है कि मस्तिष्क
अपेक्षाकृत अधिक विकसित होती है। तो मेंटल डेवलपमेंट, आई साइट, विजन, ये सब जो है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा इवोल्यूशन के लिए। चेहरे पर संवेदी वाल, सेंसरी हेयर का अभाव होता है, जबकि प्रोसीमी में प्रेजेंट था। इसका ऑक्सीपिटल क्षेत्र अधिक उभार लिए होता है। इनका दंत सूत्र इक्कीस तेईस बटा इक्कीस तेईस गुना दो बराबर दो एक तीन दो पांच तीन आठ चौक बत्तीस हो जाएगा होता है। हाथ पैर की अपेक्षा छोटे होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। हथेली चौड़ा अंगूठा घुमावदार होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। नेत्र कोटर अस्थि का बना होता है। और पूंछ की लंबाई में कमी होती है। ये था एंथ्रोपाइडिया कि प्राइमेट को दो भाग में बांट दिया गया है, एक प्रोसीमी और दूसरा एंथ्रोपाइडिया। एंथ्रोपाइडिया आगे चलकर पुराने जगत के बानर और नए जगत के बानर में विकसित होगा, जो आगे चलकर सरपैथेको आइडिया और होमिनो आइडिया में होगा। होमिनो आइडिया का ही आगे नेक्स्ट ब्रांच जो है जाते जाते होमिनिड हो जाएगा, होमिनिड में मनुष्य आ जाएगा। यानी एंथ्रोपाइड जो है वो डायरेक्ट मनुष्य के चयन में जा रहा है, इसलिए इसको हम देखेंगे तो इसके नीचे जितने भी जंतु आएंगे सब इसका उदाहरण हो जाएंगे। तो पुराने जगत के बानर, नए जगत के बानर और होमिनो आइडिया में हाइलोबेटिडी, पोंगीडी और होमिनिड, इतने डिवीजन को हम लोग को देखना है। तो आज हम लोग प्राइमेट के वर्गीकरण में दो हेडिंग को देखें, एक प्रोसीमी दूसरा एंथ्रोपाइडिया, एंथ्रोपाइड्स भी बोलते हैं। प्राइमेट स्तनधारी वर्ग के गण में आता है, 16 ऑर्डर हैं यूथेरिया में, 16 ऑर्डर में एक ऑर्डर है प्राइमेट। तो मानव प्राइमेट का सदस्य है
तो मानव का जो उद्विकास देखेंगे तो मानव का भी उद्विकास अन्य प्राणियों के जैसे हुआ स्तनधारी तक, स्तनधारी के बाद इसका जो है ट्रेंड चेंज हुआ और होमोसिपियंस के रूप में आया। वो टॉपिक्स को हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी क्लासिफिकेशन पढ़ के ये कॉन्सेप्ट लीजिए, बीच बीच में शॉर्ट नोट्स होता है तो उसीलिए इस चीज को स्टडी करना जरूरी है। इसको फिर राइट डाउन कर लेंगे, देख लेंगे, स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा अगले क्लास में। जो शॉर्ट नोट छोटा बचा हुआ है उस पर चर्चा जारी रहेगी। जय हिंद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एंथ्रोपोलॉजी मौवीशाला स्पेक्ट्रम आईएएस क्लास। मैं डॉक्टर राजकुमार सिंह। प्राइमेट का वर्गीकरण चल रहा था तो पिछले वीडियो में एक सेक्शन दिए थे, अब उसका जो अगला सेक्शन है यहां पर हम लोग देंगे कि प्राइमेट जो है एक गण है और इस प्राइमेट को दो भाग में बांट दिया गया था, याद रखेंगे, प्रोसीमी और एंथ्रोपॉइड्स। प्रोसीमी और एंथ्रोपॉइड्स, एंथ्रोपॉइड्स को दो भाग में, प्लेटरहाइन और कैटरहाइन। नए जगत के बानर और पुराने जगत के बानर, सेरपाइथेको आइडिया और होमिनो आइडिया। होमिनो आइडिया का तीन भाग, हाइलोबेटिडी, पोंगिडी और होमिनिड। ये वर्गीकरण था हम लोग का। प्रोसीमी एंथ्रोपॉइड्स के बारे में पढ़े थे हम लोग, आज होमिनो आइडिया के बारे में जानकारी ले लेंगे। होमिनो आइडिया सुपर फैमिली है ये। इसमें मानव के समान लक्षण विकसित होने लगते हैं, क्योंकि ह्यूमन का एवोल्यूशन है तो पीछे से आ रहे हैं, धीरे धीरे लास्ट प्रोडक्ट जो है कि मनुष्य हो जाएगा। तो होमिनो आइडिया होमोवर्ड से डेवलप हुआ है तो उससे लग रहा है कि मानव के समान जाएगा। इनके शरीर की लंबाई में वृद्धि होने लगती है, इनका मस्तिष्क गोलाकार एवं विकसित होने लगता है, तो मेंटल कैपेसिटी बढ़ता है धीरे धीरे, मेंटल कैपेसिटी बढ़ेगा। फोरामेन मैग्नम के आगे बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। फोरामेन मैग्नम खोपड़ी जो है, रीट का हड्डी जहां फिट होता है उसको फोरामेन मैग्नम कहते हैं, उसी के आसपास के क्षेत्र को ऑक्सीपिटल क्षेत्र कहते हैं। चेहरा सपाट होता है, जबड़े कम बाहर निकले होते हैं, दृष्टि एवं सूंघने की शक्ति ज्यादा विकसित होने लगती है, मतलब आई साइट और स्मेलिंग जो है थोड़ा डेवलप हो रहा है इवोल्यूशन के दौर में। कंधा एवं छाती चौड़ा होता है, हाथ छोटे एवं घुमावदार होते हैं, पूंछ का अभाव होता है, पूंछ भागने हटने लगता है। और होमिनो आइडिया के अंतर्गत तीन भाग है, हाइलोबेटिडी, पोंगिडी और होमिनिडी, तो उसकी चर्चा हल्का हल्का करेंगे हम लोग कि हाइलोबेटिडी के अंतर्गत गिबन साइमांग आते हैं। गिबन मुख्य रूप से दक्षिण पूर्व एशिया के वर्षा वनों में पाए जाते हैं और भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में पाए जाते हैं, जबकि साइमांग जो है सुमात्रा में मात्र पाए जाते हैं। इनकी शारीरिक विशेषताएं निम्नलिखित, इनका मस्तिष्क उभरा हुआ एवं गोलाकार होता है, चेहरा लंबा कपाल से अधिक बड़ा बाहर की ओर निकला हुआ होता है, दंत चाप यू आकार का तथा दंत अवकाश यानी डायस्टेमा उपस्थित होता है, मतलब दो दांत के बीच गैप नहीं रहते हैं। इनकी औसत लंबाई 1 मीटर तथा वजन 50 केजी होता है। इनकी हथेली मजबूत होती है और धर जो है बॉडी पार्ट्स वो ज्यादा चौड़ा होता है एवं वक्ष जो है वो थोरेक्स रीजन जो है वो चौड़ा होता है, पैर अपेक्षाकृत इनका छोटा होता है। पोंगिडी के अंतर्गत उरांगूटन, चिंपांजी, गोरिल्ला आते हैं, जिन्हें मानव कपि या ग्रेटर एप भी इसको कहा जाता है। इनकी खोपड़ी आगे की ओर उभरी होती है, ऑक्सीपिटल क्षेत्र में ढलान होता है, ललाट उपस्थित होते हैं। अब ललाट मनुष्य का लक्षण है तो धीरे धीरे ललाट आ गया, पहले ललाट नहीं था।
नेत्र कोठर आई ऑर्बिट अंडाकार होगा, ऊपरी जबरा बाहर की ओर निकला हुआ होगा, नासिका अस्थि माने बोन जो है कम उठी हुई होती है, कंधा मानव जैसा होता है, दंत चाप यू आकार का होता है, हाथ पैर की अपेक्षा लंबे, रीढ़ की हड्डी में दो वक्र जबकि मनुष्य में चार वक्र है, एरी अनुपस्थित है, एरी अभी डेवलप नहीं हुआ है, तलवा सपाट है, पूछ अनुपस्थित है, पूछ गायब हो गया है। होमिनिडी इसका एकमात्र प्रतिनिधि मानव है, यानी मानव का जो भी करैक्टर है इसमें हम लंच कर सकते हैं। तो फोरामेन मैग्नन जो खोपड़ी है यहां पर जो रीढ़ की हड्डी लगता है, फोरामेन मैग्नन ऑक्सीपिटल क्षेत्र आगे की ओर, ऑक्सीपिटल क्षेत्र गोलाकार एवं उभार लिए हुए, पेराइटल अस्थि फ्रंटल पेराइटल चेहरा का अस्थि है, उभार लिए हुए फ्रंटल अस्थि उभार लिए हुए जिससे ललाट विकसित, तो ललाट का डेवलपमेंट का कारण फ्रंटल है। नेत्र कोटर आई ऑर्बिट आयताकार का, जबड़ा चेहरे पर अंदर स्थित होते हैं, टुड्डी यानी चिन्ह उपस्थित होते हैं, पहले नहीं था यहां पर आ गया, दंत चाप परवलयाकार, पहले यू आकार का था अब परवलयाकार पाराबोलिक आ गया, केनाइन कम विकसित, दंत अवकाश अनुपस्थित, डायस्टेमा नहीं है मतलब दो दांत के बीच गैप नहीं पाया जाता है, तालु गहरा है एवं चिकना है, कसोरिकी दंड वर्टिब्रल कॉलम में चार वक्र, पहले दो वक्र था अब चार वक्र आ गया, हाथ पैरों की अपेक्षा छोटे होते हैं, अंगूठा विपरीत दिशा में घुमावदार यानी ओपोजिबल थंब होता है, ये ओपोजिबल थंब है, एरी विकसित होती है, उंगलियां जो है कतार में होती है, रॉ में होती है, ये मेन कैरेक्टर हो गया होमिनिड का जिसमें मनुष्य एकमात्र प्रतिनिधि है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि होमिनो आइडिया जो है हाइलोबेटिडी पोंगिडी के बाद होमिनिड में बदलता है, और होमिनिड में जो फॉसिल है वो मिलते हैं, लेकिन एकमात्र जीवित जो है जीव है होमिनिड का वो मनुष्य है। इस प्रकार इस वर्गीकरण में हमको मानव उद्विकास से संबंधित भी जानकारी मिलती है। और एक क्वेश्चन और सॉल्व होगा, मनुष्य में पशु जगत का स्थान, इसलिए ये क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण का टॉपिक्स को हम लोगों ने डील किया है, जिससे ये समझने में हमको आसानी होगी कि इस पशु जगत में मानव जो है कहां पर है, किस लोकेशन में है, और इस पर शॉर्ट नोट्स भी होते हैं जैसे पोंगिडी पर, एंथ्रोपॉइड्स पर, प्रोसीमी पर, प्राइमेट यानी नर वानर गन, इस पर भी शॉर्ट नोट्स है। तो शॉर्ट नोट्स की दृष्टि से इसको हम अध्ययन करेंगे, और जिसका जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो आगे आएगा कि मानव का उत्पत्ति उद्विकास, मानव का पशु जगत में स्थान। तो ये आज ये आपका कंप्लीट हो गया वर्गीकरण का चैप्टर, उसमें जो भी मेमोरी वाला चीज है उसको याद रखेंगे, और ये सारा चीज आपको अगले चैप्टर में काम देगा जब हम समझाएंगे। तो स्तनधारी का पूरा वर्गीकरण दिखाया गया, एनिमल किंगडम का दिखाया गया, अब उसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के लिए रॉ मटेरियल समझे जो हमको सुविधा देगी। इसी के साथ आज इतना ही, जय हिंद।